विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय दो के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रक क्या होते हैं वह बताएंगे। क्षेत्रक भी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रक क्या है। क्षेत्रक जो है वह क्षेत्र होते हैं जहाँ व्यक्ति काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र भी हो सकता है, द्वितीयक क्षेत्र भी हो सकता है, तृतीयक क्षेत्र भी होता है। मतलब वहाँ पर वही क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। तो विभिन्न आर्थिक परिस्थितियाँ या गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें जो कार्यरत व्यक्ति होता है या फिर जो गतिविधियाँ होती हैं और उसके साथ साथ हमारे बोलने में भी और गतिविधियों में कैसी समझ होती है, ये सारी चीज़ें जो विभिन्न समूह में हम वर्गीकृत कर सकते हैं और उसको क्षेत्रक भी कहते हैं। क्योंकि क्षेत्रक जैसा हमने अभी बताया कि मतलब जिससे चित्र में भी समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति सर्वे कर रहा है, एक ईंट बना रहा है, एक बोझा ढो रहा है, एक कुली है, एक कपड़ा बेच रहा है, इस तरह से सबके कार्य करने का क्षेत्र जो है वह अलग अलग है। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आएंगे तो उसमें हम देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग जब आधारित हो गतिविधि को हम करेंगे तो उसमें जैसे खेती है एक मौसमी फसल है जिसमें पूर्णतः या प्राकृतिक कारकों जैसे होती है, जिसमें कि इसी प्रकार से डेयरी उत्पादन है, पशुओं की जैविक प्रक्रिया, इस प्रकार के उत्पाद जो है ये प्राकृतिक उत्पाद कहलाते हैं और साथ ही इसमें आते हैं। ये एक तरह से कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये इसमें ये तृतीय क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पर है प्राथमिक क्षेत्र भी है और द्वितीयक क्षेत्र भी है, ये पहला है और दूसरा जो है द्वितीयक क्षेत्र भी है। तो और ये तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, वे गतिविधियां जो कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए, विनिर्माण क्या है जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त जो है हम उसका उत्पादन करके उद्योग में उत्पादन होता है तो उसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त मिल रहा है, मिट्टी, जैसे मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं, ईंट से घर का निर्माण होता है, इसी प्रकार से वह क्या है उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है सहायक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि जो प्रकृति से प्राप्त चीज है उसको उद्योग में निर्माण कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त तो जो है अतिरिक्त गतिविधियां जो तीसरी कोटि में आएगा कौन सा, तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र में जो है और उसमें हम ये देखेंगे जो गतिविधियां वस्तु को उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं या मदद करती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो कि सिर्फ उत्पादन में मदद करती हैं वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि परिवहन की जरूरत पड़ती है, गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है, टेलीफोन से दूसरों को वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है, संचार या बैंक की सेवाएं देती है, एक शिक्षक होता है, तो मतलब यहाँ पर सेवा क्षेत्र जिसको कहेंगे सेवा क्षेत्र, मतलब व्यक्ति वहाँ कार्य तो करता है उत्पादन नहीं करता लेकिन उसमें सहयोग करता है, वह जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जिसमें हम देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट कैफे, ATM, कॉल सेंटर, ये महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में हम यहाँ पर सेवाएं देते हैं और योग उत्पादन में या विकास में अपना योगदान देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों क्षेत्रों की तुलना कैसे करेंगे। अब प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियाँ, वस्तु और सेवाओं की हम गणना कैसे करेंगे और कुल उत्पादन कैसे जानेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। यहाँ पर जब हम देखेंगे वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन का काम करती है, इसलिए इस अंतर्गत जो तीसरे चरण होती है, मतलब तीनों ही क्षेत्रक जो है वह अपने अपने काम में अपना योगदान देते हैं। अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से यह एक आर्थिक क्षेत्रक प्रधान भी होता है, क्योंकि तीनों ही क्षेत्र जो है वह अपने कार्य में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल हम ये सोचेंगे कई समस्याएं ऐसी होती जिनकी अर्थशास्त्रियों को सुझाव भी दिए गए हैं, कई चीज़ें जो ध्यान में हम रखते हुए ये सब चीज़ें जो हैं हम करेंगे और जो सकल प्रत्येक क्षेत्र की वस्तु विधियाँ जो हम गणना करेंगे तो कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो यह किसी विशेष वस्तु के प्रत्येक क्षेत्र को उत्पादित अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के क्षेत्र में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करते हैं तो वह क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो पूरी जानकारियाँ जो है हमें मिलेंगी
वह सकल घरेलू उत्पाद होगा और वह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करती है। अर्थव्यवस्था की विशालता, अब यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रों के ऐतिहासिक परिवर्तन, क्षेत्रों के माध्यम से कौन से ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। हम जैसे जैसे देखेंगे कि कृषि प्रणाली में परिवर्तित होती चली गई, पहले के लोग जो है प्राचीन तरीके से खेती से हल से जोतते थे और कुएं से जल सिंचाई करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते करते कृषि के क्षेत्र में भी हम बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि देश में जो है प्रत्येक क्षेत्रों में जो है वह परिवर्तन हुआ है। फिर कुछ वस्तुएं जो है औद्योगिक उत्पादन में भी अपने कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है, औद्योगिक क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार मिला है। इसके बाद में देश में आधे से अधिक जो प्राथमिक क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर आवश्यकता के लोग लगे, वहाँ पर कई ऐसे हैं जहाँ पर कि दो एक व्यक्ति की जरूरत है लेकिन वहाँ पर चार लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पर छुपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो इस तरह से जो क्षेत्र हैं श्रमिकों की अल्प बेरोजगारी भी वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि कई जगह जो है हमें बेरोजगारी देखने, क्योंकि यदि एक व्यक्ति का काम है लेकिन वहाँ पर दो लगे हुए हैं, यदि उसको हम हटा भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि अल्प बेरोजगारी भी या छिपी हुई बेरोजगारी जो है वह भी इसी तरह से है जो कि वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर भी कई ऐसे हैं जैसे कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, अलग खुली बेरोजगारी, इसलिए प्रचंड बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी कहते हैं। मतलब उनको रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार करना चाहते हैं लेकिन वे बेकार बैठे हुए हैं, उनके योग्यता के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए वे बेरोजगार रहते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे परिवार, यदि एक बार फिर भी परिवार की कमाई वृद्धि होगी, लोग भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते थे वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि भूमि कम हो या ज़्यादा हो वो उत्पादन जितना होना है उतना ही होगा। इसी तरह से देखेंगे अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में भी अंतर्गत होती है। मतलब हर क्षेत्र में जो है हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है, हर क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी देखने को मिलती है। फिर देखेंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए हम यहाँ उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि लक्ष्मी जो है 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि को कार्य कर रही है और उसमें वह रोजगार कर रही है, और फसल में 2 लोगों 50 दिनों के बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई करने के लिए रोजगार उनको दिया गया है। इस तरह से एक नहर खोदी जाती है और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकते हैं। जिस तरह से देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, कम से कम एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। फिर वही देखेंगे कि लक्ष्मी की जरूरत के हिसाब से भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह कुएं से वैसे कुआं खुदाई किया है, फिर सिंचाई कर रहा है, फिर चित्र के माध्यम से हम ये चीज़ को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसान यदि अरहर या मटर का फसल उगाने का निर्णय लेता है तो वह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि भंडारा गृह खोलने के लिए किसानों के अवसर मिलेगा और उनको काम भी मिलेगा। उसी तरह से कृषि का उत्पादन जो है आलू, शकरकंद, टमाटर, ये सब चीजें भी हम उत्पादित करके शहरों में बेच सकते हैं या लोगों को रोजगार भी प्राप्त तो होगा। फिर आगे ये चित्र के द्वारा देखोगे यहाँ पर लोगों के जो भवन है, अध्यापक है, कर्मचारी है, ये सब जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो कि तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र में जो है ये सारे लोग अपने अपने पहलुओं से विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं और ये सब करने में वे सक्षम होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में, जिसको कि मनरेगा भी बोलते हैं, कहते हैं कि इसमें जो है कम से कम 2005 के अंदर उन सभी लोगों को काम करने के सक्षम है, उन्हें काम की ज़रूरत है तो उनको कम से कम 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी गई है कि व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति कम से कम 100 दिन कार्य करेगा, इसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। फिर देखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वो होते हैं जैसे कि आपके चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है, कांता वह एक ऑफिस में काम कर रही है, उसको बकायदा बॉन्ड मिला हुआ है, वह ज्वाइनिंग ली है, उसको सारी चीज़ें पता है और उसके सारे भत्ते और छुट्टियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन दूसरा है कमल जो है ये असंगठित के अंतर्गत कहलाएगा, क्योंकि यह दैनिक वेतनभोगी जैसा है कि वह डेली आएगा तो उसको पैसा मिलेगा या जिस दिन नहीं आएगा उस दिन उसका पैसा कट जाएगा और उसकी नौकरी स्थायी नहीं है, उसको उसका मालिक कभी भी उसको निकाल के बाहर कर सकता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर संगठित और असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां कहलाती हैं।
संगठित क्षेत्रों में क्या है, वे संगठित होते हैं और उनको सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ये बिखरी हुई इकाइयाँ होती हैं, अधिकांश ये सरकारी नियंत्रण के बाहर होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे बहुत सड़कों में विक्रय करना और मरम्मत का कार्य करना, ये जो है असंगठित होते हैं, उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल जाता। फिर असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को संरक्षण कैसे, जो असंगठित है उनको हम संरक्षित करके किस तरह से उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए असंगठित क्षेत्र के रूप में बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसी रणनीति या मंचन या श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों का अनुमान लगाना चाहिए या फिर ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि उनके रोजगार को संरक्षण नहीं बल्कि उनमें कोई लाभ भी हो और उन्हें उस लाभ की प्राप्ति हो सके। जैसे कि यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे छोटे छोटे किसान सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, जैसे समय से बीज उपकरण भंडारण ये सारी चीज़ें यदि हम उनको उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से लघु उद्योगों श्रमिकों विनिर्माण आकस्मिक श्रमिकों सड़कों ये सब जो है असंगठित के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये काम करने आते हैं और चले जाते हैं, अपना काम करने आते हैं, मतलब जिसको कहेंगे कि मौसमी बेरोजगारी। जब कृषि का काम नहीं होता तो वे शहरों में आते हैं और शहर में आकर अपना काम करते हैं और फिर खेती के काम के समय में वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्र या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंदर आर्थिक गतिविधियों क्षेत्र का हम वर्णित कर सकते हैं, जैसे परिसर स्वामी है, सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र में है या अधिकांश परिसंपत्तियों सरकार जो होती है वह उसका स्वामित्व होती है, उसका सरकारी यह सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। निजी क्षेत्र की परिस्थितियों में स्वामित्व और सेवाओं का वितरण जो है जिम्मेदारी एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है, जिसके कि सारे निर्णय जो है वह कंपनी या जो निजी स्वामित्व जो होता है वह निर्णय लेता है और वह उसको पूरा करता है। फिर यहाँ देखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र केवल लाभ कमाना नहीं जानता, वह क्या करता है, सार्वजनिक लाभ की पहुँचाने की कोशिश करता है कि अधिक से अधिक लोगों को उसकी भरपाई हो सके, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन आधुनिक दिनों में जो सरकारी सभी तरह की गतिविधि व्यय करती है, गतिविधियाँ क्या करती हैं, ये सब चीज़ें भी जानना आवश्यक है। फिर ऐसे ही जब हम देखेंगे क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इस तरह से हजारों लोगों को पैसा एकत्र करना पड़ता है। फिर यहाँ देखेंगे कि हम जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, निजी क्षेत्र का उत्पादों के व्यवसायों के साथ जो जारी किए जाते हैं उनको उत्पादन मूल्य बिजली ये सारी चीज़ें भी उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सरकार जो है यह व्यय करना सरकार की एक अनिवार्यता हो जाती है क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से लाभ कमाना बल्कि निजी का क्षेत्र का सिर्फ उद्देश्य यह होता है कि वह सिर्फ लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करती है और अधिक से अधिक उत्पादन करके लाभ कमाने का प्रयास करती है। इस तरह से हम सारांश में हम यह देखेंगे कि इस अध्याय में आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ समूह को भी विभाजित करके और संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विचार करके ये संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें कर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारे क्षेत्रक हैं, क्षेत्रक के अंदर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं वे महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक जो है एक सहायक क्षेत्र के रूप में है, द्वितीयक जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है और तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।